एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और अभी हम वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ कल का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल तो मैं फंसा हूँ जाम में। ये देखिए, ये रोज का ही कहानी है, रोज। अरे यार तुम काहे, मतलब बीच में सबको आना है। आज जा रहा हूँ जल्दी, अभी फिलहाल एक्चुअली बहुत जल्दी में हूँ। आज जा रहा हूँ मैं फूड टेस्टिंग के लिए, फूड टेस्टिंग, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो फूड खाना खाना बहुत पसंद है ना, तो अभी जा रहा हूँ फूड टेस्टिंग के लिए। एक नया रेस्टोरेंट है, मेरा नेम रसा, तो वहाँ पे जाऊँगा। तन्मयदा लोग भी आएगा, चलते वहाँ पे अभी। तन्मयदा, Hey, that's Devil's Bowl. ये तन्मयदा ने रिकमेंड किया है। क्या है Mongolian? Mongolian? Mongolian, it's called the Devil's Broth Bowl, na? Devil's Broth Bowl. गौरव वा, रेडी वा? हाँ, रेडी वा, खाली। आज भी कुछ डायलॉग बोल दो। Vegetables, mix, meat, rice noodle, कोटे मिक्सर। जा rice noodle सोप है यार। Means basically it's like a Chinese vegetable jamon ke tas. Chinese khichdi. गौरव वा, रेडी? खाएंगे अभी, हम ये ट्राई नहीं किया है। पहली बार? पहली बार। तुम्हें तन्मयदा पे विश्वास बहुत है, लेकिन मैंने ये देखा है, कपड़े हो, खाना हो, ठंडा खाबोले भाल स्पाइसी जे। आज अखम दिवस है, तो अखम अखम दिवस है, काई दे बार सिको दिर दे अभी क्या है ना, अभी एक्चुअली एक्साइटमेंट बहुत है, क्योंकि बहुत सारा प्लान्स है। अगर एग्जीक्यूट हो गया तब तो फिंगर्स क्रॉस, मतलब हो जाने से तो मस्त। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क, एंड धीरे धीरे पता चलेगा आप लोगों को कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। It is risky, but let's see. तो खाना वाना हो चुका है एंड अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। पहले अपने फ्रेंड को पिकअप करूँगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड जा रहा है दिल्ली, एंड फिर एयरपोर्ट से मैं फिर जाऊँगा बरपेटा रोड। तो बाकी का चीज़ मैं रास्ते में बताता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट मील बिरयानी, ये फुल बिरयानी खाऊंगा अभी। तो फ्रेंड को कर दिया ड्रॉप एयरपोर्ट में एंड अभी जा रहे हैं हम बरपेटा रोड। रास्ता पूरा खाली, एयरपोर्ट का रास्ता हमेशा ऐसा यहाँ पे खाली ही रहता है, तो अभी निकलते हैं। दिस इज ओल्ड सरायघाट ब्रिज, ये वाला, एंड ये नया सा बना है। अभी मैं पहुंचा हूँ रंगिया, तो रंगिया के बाद है नलबारी। तो रंगिया से आप लोग भूटान भी जा सकते हो। तो रंगिया से एक जाने का एक जगह है, उस जगह का नाम है संद्रूप थंकर। तो वहाँ से दैट इज एक्चुअली भूटान, तो यहाँ से भी, रंगिया से भी आप लोग भूटान जा सकते हो। फिलहाल अभी हाईवे तो पूरा खाली है, लेकिन मैं उतना अभी स्पीड से नहीं चला रहा हूँ, स्पीड वेरी लेस, 80-100 के बीच में आराम से। ये अभी सनसेट भी होने वाला है, इट्स ब्यूटीफुल, आप लोग देख सकते हो। देखिए, तो चलिए, और कुछ होगा आगे तो दिखाऊंगा, अभी तो कुछ नहीं है। गाय है यहाँ पे, गाय आदमी सब एक साथ ही हाईवे में चलते हैं, गाड़ी हम लोग सब एक साथ। ये व्यू मस्त है, देखिए इतना सुंदर लग रहा है, खाली हाईवे, ब्यूटीफुल, ये सीन मस्त लग रहा है एकदम। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से खाली हाईवे, मजा ही कुछ और है।
इतना सुंदर लग रहा है व्यू, थोड़ा सा देखने के लिए मैं ऐसे रुक गया। मैं ऐसे गाड़ी भगाता नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा भगाया मैंने भी, अच्छा लग रहा। गुवाहाटी के सिटी में रुक रुक के चलाने में मज़ा नहीं है। चलिए चलते हैं। लेफ्ट साइड से जो ये रास्ता आप लोग को दिख रहा है, ऐसे जा सकते हैं आप लोग नलबारी टाउन, जो नलबारी का रास मेला होता है, ऐसे ही या ऐसे ही जाए, इस साइड से ऐसे जाना पड़ता है। मतलब मैं पर्सनली कभी नहीं आया हूँ नलबारी का रास मेला, इस बार प्लान था लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर हो पाया तो ज़रूर आऊँगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू क्लिक पिक्चर्स, अगर आप लोगों को कभी आउटडोर फोटोशूट करवाना है ना, तो दिस इज द हैप्पी आवर। लाइक मतलब यहाँ के हिसाब से अभी जो विंटर्स है, 4:30 इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि मैंने भी एक डेढ़ साल पहले एक शूट करवाया था जब मैंने मिस्टर असम खेला था, ज़्यादा ही हो गया, डेढ़ साल के ऊपर हुआ जब मैंने मिस्टर असम खेला था, उसके जस्ट बाद एक फोटोशूट किया था मैंने, बहुत सुंदर होता है इस टाइम पर, सुंदर लग रहा है। आई डोंट नो कि आपको ये वीडियो में कैसा लग रहा होगा, लेकिन मतलब पूरा रियल में इतना अलग लग रहा है ना, वेरी ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है ये। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में कैसा दिख रहा होगा, लेकिन रियल में पूरा अलग लग रहा है एकदम, वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा नज़ारा, ऐसा रास्ता, नो ट्रैफिक, नथिंग, बस चलते जाओ। एक लॉन्ग ट्रिप प्लान करें क्या आप लोग, बताना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना आप लोग। शुड आई प्लान फॉर ए वेरी लॉन्ग ट्रिप, एक रोड ट्रिप, मतलब बाइक से नहीं, गाड़ी से ही। अच्छे व्लॉग्स आएंगे बिकॉज अभी ट्रैवलिंग शुरू होगा, आज है आई गेस 4 या 5 तारीख, 4 तारीख, 7 या 6 को आई गो बैक टू गुवाहाटी, एंड देन 6 को से 7 को, फिर 10 को कहीं और जा रहा हूँ, पता चल जाएगा आप सभी को। तो डिनर में मैं क्या खाऊँगा वो देख लीजिए, फिर बाय बाय। मैच का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कल कि डिनर आप लोगों को दिखाना भूल गया, सीधा खाया और पूरा मतलब कल मैच देखने पे बैठ गया। कल अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का फुटबॉल मैच था, तो मेसी का जो गोल था मतलब मज़ा आ गया देख के, ऐसे ही उसको द मैजिशियन नहीं बोलते। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूविंग फॉरवर्ड ऑलवेज अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। परपेटा रोड क्यों आया हो ये अगले व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा।